बैजनाथपुर थानांतर्गत अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार एवं एक विधि विरुद्ध बालक को निरुवत किया गया। सहरसा में रात्रि गश्ती के क्रम में बैजनाथपुर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवक हथियार लेकर बराबर सबेला पेट्रोल पंप के आसपास राहगीरों से लूटपाट करने की नीयत से वहां पर घूमते रहता है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सबेला पेट्रोल पंप से 150 मीटर पश्चिम अर्धनिर्मित मकान के पास पहुंचा तो देखा कि दो युवक पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए दोनों युवकों की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी दीपक कुमार शर्मा पेशर लालेश्वर शर्मा साकिन महुआ थाना गिलाद जिला मधेपुरा। विधि विरुद्ध बालक को निरुवत किया गया। कल दिनांक 22/8/24 को बैजनाथपुर थाना अंतर्गत रात्रि गश्ती के दौरान जो है बैजनाथपुर थाना और सौर बाजार थाना को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवक जो है सबेला पेट्रोल पंप के आसपास जो है राहगीरों को लूटपाट करते हैं और हथियार का भय दिखाकर उनसे लूटपाट करते हैं। जैसे ही सूचना का सत्यापन किया गया उसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए गश्ती गाड़ी के साथ साथ जो है DIU की टीम जो है वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे देखा गया कि दो युवक जो हैं एक अर्धनिर्मित मकान है सबेला पेट्रोल पंप के 150 मीटर के आगे, वहीं पे जो है ये दो युवक जो है वहाँ पे खड़े थे और आने जाने वाले राहगीर का इंतजार कर रहे थे। पुलिस के गाड़ी को देखते हुए जो है दोनों युवक भागने की कोशिश किए, जिसे पुलिस बल के द्वारा जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी तलाशी ली गई। उनकी तलाशी लेने पे जो है उनके पास से जो है एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जो दो युवक पकड़ाए हैं उनका नाम दीपक कुमार है, एक का नाम दीपक कुमार है और दूसरा जो है विधि विरुद्ध बालक है, उसे भी निरोध किया गया है। इसमें मुख्य रूप से इसके संदर्भ में जो है बैजनाथपुर थाना में जो है आर्म्स एक्ट के सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो शामिल हैं उसमें से थानाध्यक्ष बैजनाथपुर, इसके साथ साथ थानाध्यक्ष सौर बाजार, DIU के से गुंजन कुमार और सशस्त्र बल बैजनाथपुर और थाना बैजनाथपुर और सौर बाजार के लोग शामिल थे।